हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो यह आज का दिन बहुत ही खुशी का पल है क्योंकि आज हमने जो हमारा इंडिया ने एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे अग्रसर हुआ है। तो आज हमने टॉपिक का नाम भी ऐसा रखा है कि विकसित भारत का शंखनाद। ओके, तो विकसित भारत का शंखनाद मतलब ये है कि कैसे हमने स्टार्टिंग से और कैसे हमने चंद्रमा तक का सफ़र तय किया। तो ये हम जो जानेंगे बेसिकली चंद्रयान 3 के बारे में। तो यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं, तो जानते हैं कि यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई चेतना का है। यह जो टाइम है वह भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया चेतना का है, क्योंकि इस चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग पर चंद्रयान की सतह पर जो ये चंद्रयान 3 जो मिशन था, तो यह चंद्रमा की सतह पर कैसे पहुंचा, ठीक है। यहाँ जो रोवर था, जो लैंडर था, कैसे चंद्रमा के साउथ पोल में ये लैंड किया, तो यह भारत के लिए एक बहुत ही खुशी का पल और यह विश्व के लिए एक सोचने का पल है, ठीक है। क्योंकि भारत ने एक ऐसी स्टार्टिंग की थी कि यह साइकिल से अपने रॉकेट को लॉन्च करना स्टार्ट किया था, बैलगाड़ी से लाद कर सेटेलाइट को ले जाया जाता था और उसको फिर लॉन्च किया जाता था। तो यह साइकिल से यह सफ़र शुरू होकर आज रॉकेट और हमने बहुत ही स्पीड से हमने उड़ान भरी है। ओके, तो देखते हैं कि जो भारत है तो नई ऊर्जा, नया विश्वास, आज विश्व के सामने जो भारत का विश्वास है वह बहुत ही अग्रिम है, क्योंकि हमारा जो इसरो है वह आज एक एक करके बहुत बड़े बड़े जो अभियान हैं उनको लॉन्च कर रहा है और सफलतापूर्वक भी उनको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं आज चंद्रयान 3 के बारे में, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह हमारे इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना, और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं चंद्रमा की सतह पर, है ना, वहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि कैसे कैसे ये चंद्रयान की से साउथ पोल पर कैसे पहुँचा, तो इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 3। तो जो चंद्रयान 3 है मिशन में लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो इसमें ये जो चंद्रयान 3 है ये विश्व का 145वां अभियान था जो चंद्रमा की सतह पर भेजा गया था। बट अभी तक जितने भी अभियान भेजे गए वो चंद्रमा की सतह पर भेजे गए, बट जो ये चंद्रयान 3 था वे तो चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया और सॉफ्ट लैंडिंग किया। तो यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया, ठीक है। इसके पहले भी जैसे कि अमेरिका है, रूस है और चाइना ने उनमें अभियान भेजे हैं, तो यह उन तीसरे देशों के बाद चौथा हमारा देश इंडिया ऐसा पहला नेशन है, पहला एक राष्ट्र है विश्व का जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है। ओके, तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला राष्ट्र बना भारत, ठीक है। शाम 6:04 लैंडिंग के साथ भारत बना विश्व में ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बना। तो 6:04 में भारत ऐसा एक कारनामा किया जो विश्व देखता रह गया, क्योंकि यह विश्व में ऐसा पहला देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग किया। ओके, इसके साथ ही तो अब जानते हैं कि यह जो चंद्रमा के साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर यह जो लैंडिंग किया कि यह जो अभियान था चंद्रयान 3 है चंद्रमा के साउथ पोल पर ही क्यों उतारा गया, तो इसका क्या है अहम योगदान क्या है इसके बारे में तो जानते हैं कि तो चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उनसे होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है, ठीक है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उनसे होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है, इसलिए अभी इस अज्ञात बने हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ
साउथ पोल में बहुत सारा अभी ऐसी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो अज्ञात हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है। तो यह पर्यावरण और उससे होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में यह काफ़ी मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है ऐसा कि इस क्षेत्र के हमेशा अंधेरे में रहने वाले स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा हो सकती है, क्योंकि साउथ पोल में तो जब उसको सन रेज वहाँ पे नहीं पड़ती हैं तो वह जगह जो अंधेरे में रहता है तो वहाँ काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है वहाँ पे वाटर प्रेजेंस हो। तो ये सब चीज़ों को हम, ये जो हमारा अभियान है चंद्रयान 3, इसके द्वारा पता लगाया जाएगा। यहाँ पर जमी बर्फ से ऐसा अनुमान है कि चंद्रमा के साउथ पोल में कुछ जमी जो बर्फ है उससे भविष्य के अभियानों के लिए ऑक्सीजन मिलेगा, ईंधन मिलेगा और पेयजल मिलने की काफ़ी संभावना है। ओके, इसके साथ ही यह जो चंद्रयान 3 है तो एक चंद्र दिवस लगभग जो होता है पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है। एक चंद्र दिवस जो होता है पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है। तो यह एक चंद्र दिवस तक अध्ययन करेगा, इससे आगे भी कर सकता है। अब यह वैज्ञानिकों के ऊपर डिपेंड है कि वो कब तक अभियान को जारी रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें देखेंगे कि इसमें एक लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। जो चंद्रयान 3 है इसमें पेलोड जो लगे हुए हैं तो वह चंद्रमा की जो सतह है उसका, सरफेस का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही ये इसमें नासा के पेलोड भी भेजे गए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा इसरो है, विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सैटेलाइट होते हैं हमारे इसरो से ही लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हमारे इसरो उन्हीं को बहुत ही सस्ते में लॉन्च कर देता है। इसकी वजह से जितने भी देश, दुनिया के जितने भी सैटेलाइट हैं वो सब हमारे इसरो से, हमारे इंडिया से उनको लॉन्च किया जाता है। ओके, तो चंद्रयान 3 में जो 3 पिलोट भेजे गए हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो एक रंभा LP है, ओके, दूसरा जो सेकंड है चेस्ट है और तीसरा इल्सा है। तो अब इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं कि ये क्या हैं, जो हमारे जो 3 पेलोड हैं तो उनके क्या क्या कार्य हैं, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो 3 पेलोड भेजे गए हैं, ठीक है, तो इनका क्या मोटो है, ये क्या काम करेंगे, है ना। तो जानते हैं कि करके, तो जो पहला पेलोड है रंभा, तो वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। रंभा जो है, जो चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव की जो मिट्टी है और जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, और उनका अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो पेलोड भेजे गए हैं तो उसमें रंभा का क्या वर्क है, है ना। ये सेकंड पेलोड का क्या वर्क है, तो वह पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा। इसके साथ ही यह और क्या अध्ययन करेगा, जो सेकंड पेलोड है वह यह देखेगा कि इनका जो स्वरूप है, जो भी खनिज पदार्थ हैं या फिर चट्टाने हैं उनका जो स्वरूप है कब कितना बदला है, ताकि हम उनके इतिहास को जान सके। ओके, तो यह जो भी चट्टाने हैं दक्षिणी ध्रुव में या फिर खनिज पदार्थ है उनके बारे में यह अध्ययन करेगा कि उनका स्वरूप क्या बदला है, उनके इतिहास को भी खोजने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ तीसरा पेलोड जो है यह देखेगा कि चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है, ठीक है, क्या लाइफ है चंद्रमा पर या फिर नहीं है, तो यह भी देखा जाएगा। तो और ये भी देखेगा कि पृथ्वी से इसकी कोई समानता है कि नहीं। ओके, तो बहुत सारे इसमें जो हमारी ये 3 पेलोड हैं, तो एक तरह से हम यह भी देखेगा कि आने वाले टाइम में जो हमारा इंडिया है, क्योंकि आप इस टाइम पे देख रहे हो कि निजी क्षेत्र है, तो निजी क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे अभियान हैं निजी क्षेत्र के, जो आगे चलकर हमारा स्पेस में, अंतरिक्ष में या फिर चंद्रमा की सतह पर कोई इतने सारे इस अभियान जा सके, है ना। कई सारे अगर संभावनाएं होंगी तभी हम वहां पे लैंड करेंगे, वहां पे जा पाएंगे, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कई सारे हमारे जो मानव अभियान को भी इसमें लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो और जो इसमें रोवर है, तो रोवर कुछ दूरी चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा, ठीक है।
चंद्रमा की जो सरफेस का जो अध्ययन करेगा तो वह कौन करेगा, रोवर करेगा। इसमें जो चार पहिए वाला लैंडर लगाया गया है और जो छः पहिए वाला रोवर है तो उसका जो कुल वजन है 1752 किलोग्राम है, ठीक है। जो क्या करेगा और इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं जिससे कि हम अपने लैंडर या रोवर की निगरानी कर सके, ओके। इसके साथ ही अब जानते हैं, जानेंगे सॉफ्ट लैंडिंग के अहम चरण कौन कौन से चरण हैं, कैसे कैसे जो हमारा चंद्रयान 3 है वह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या था कि यह वैज्ञानिकों के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे यह सोमनाथ हैं जो कि इस टाइम पे इसरो के प्रमुख हैं, है ना, इसरो के सीईओ हैं, तो उनके द्वारा क्योंकि आने जो इनका लास्ट टाइम था कैसे कैसे स्टेप से ये कैसे ऊपर गया, कैसे कैसे अर्थ के सरफेस से चंद्रमा के सरफेस में कैसे पहुँचा, है ना, कई सारे ऑर्बिट से होकर वह जाके कर ऑर्बिट से पास होते होते जाके चंद्रमा के पास पहुंचा और उस पर लैंड किया। तो इसमें जो चार अहम चरण हैं जो जानना ज़रूरी है आपको, तो पहला है रफ ब्रेकिंग, ठीक है, सेकंड है एल्टीट्यूड होल्ड है, थर्ड है इसमें फाइन ब्रेकिंग है, और जो फोर्थ है टर्मिनल डिसेंट है, टर्मिनल डिसेंट है। तो अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होते हैं। तो देखते हैं कि जो अहम चरण में कैसे कैसे जो हमारा रोवर था वो लैंड किया, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट चरण था इसका रफ ब्रेकिंग था, तो इस चरण के दौरान चंद्रमा की सतह 25 किलोमीटर मल्टीप्लाई 134 किलोमीटर कक्षा में मौजूद चंद्रयान 3 का वेग, मतलब इसका जो वाइड एरिया था, तो इसमें जो चंद्रयान 3 का वेग था करीब 1680 मीटर पर सेकंड रहा, ठीक है। तो लैंडर ने 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू किया, है ना, जिसमें 690 सेकंड लगे, ठीक है। विक्रम लैंडर में लगे चार इंजनों को दो स्टार्ट करके धीरे धीरे कम किया गया और लैंडर को 7.4 किलोमीटर तक लाया गया। इसका मतलब ये है कि जब लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारा जा रहा था तो जो ऊंचाई 50 किलोमीटर से कैसे कैसे उसको रफ ब्रेकिंग मेथड के थ्रू कि जो इसका विस्तारित एरिया जो इस विस्तार किया गया रोवर को उतरने के लिए, क्योंकि जो चंद्रयान था वह सरफेस पर क्या कर रहा था, ऑर्बिट पर, चंद्रयान था वह ऑर्बिट पर रोटेट कर रहा था, तो उसके एरिया को बढ़ाया गया और उसको धीरे धीरे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, रफ ब्रेकिंग के द्वारा जिसमें ऊंचाई 25 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर तक लाया गया। इसके बाद जो है यह कहाँ पे पहुँचा, एल्टीट्यूड होल्ड में, ठीक है। तो एल्टीट्यूड होल्ड में जब यह रुका रहा तो लगभग 10 सेकंड तक वह एल्टीट्यूड होल्ड पर रहा, ठीक है। इस समय लैंडर 3.4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 3.4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर स्थिति में, क्षैतिज मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर जो हमारा क्या होता है, वर्टिकल होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर, क्षैतिज मतलब जो सरफेस पर चले, ठीक है। तो इसमें क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुका, ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर, ये जो ऊंचाई हुई यहाँ से यहाँ यह कितना हो गई, 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाया गया, जिसका वेग था 336 मीटर पर सेकंड क्षैतिज और 59 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर की ओर, एकदम नीचे की ओर जो लाया गया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जो है थर्ड स्टेज जो इसका था फाइन ब्रेकिंग का, तो फाइन ब्रेकिंग में 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल दो इंजनों को उपयोग किया गया, ठीक है। जब यहाँ से इस अभी तक कितने इंजनों का उपयोग किया गया, यहाँ तक केवल दो इंजनों को, और दो इंजनों को बंद किया गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो इंजनों का उपयोग इसलिए किया गया है कि जो हमारा लैंडर जब नीचे की ओर उतर रहा था तो वह तेजी से ना उतरे, एक ऐसा फोर्स उसको ऊपर के लगे कि उसका जो मोशन है वो स्लो हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दो इंजन बंद किए थे तो अब वो और दो इंजनों को चालू किया गया था जिससे कि वो आसानी से उतर सके, ठीक है। तो
6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का उपयोग किया गया, अन्य 2 बंद कर दिए गए। यह 175 सेकंड तक चला। लैंडर पूरी तरह ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो गया, गति 0 मीटर से कंड पर हो गए। जो इसकी स्पीड थी वह 0 मीटर पर सेकंड, मतलब ना के बराबर हो। इसका मतलब यह है कि जो यह यहाँ तक आया 6.8, इसके बाद यह ऊर्ध्वाधर है ना नीचे की ओर यह आया और इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी यहाँ से 12 सेकंड लैंडर हवा में रहा, लटकता रहा। इसके बाद 150 मीटर लैंडर 22 सेकंड हवा में रहा और सेंसर व कैमरे की उपयोग करके सतह को जांचा गया कि नीचे कोई बाधा तो नहीं है, है ना, नीचे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि हमारा रोवर है, लैंडर है, वो उसमें फंस जाए। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट है टर्मिनल डिसेंट। ये जो हमारी चौथी स्टेज है टर्मिनल डिसेंट, यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो लैंडर है वो यहाँ तक रोवर के थ्रू यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है टर्मिनल डिसेंट, क्योंकि ये जो लास्ट की प्रोसेस है टर्मिनल डिसेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। तो कैमरे का उपयोग करके सतह को जांचा गया कि नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट जो फेज था वह टर्मिनल डिसेंट था। तो जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग स्थल के करीब 60 मीटर पर था, कहाँ पे 60 मीटर पर था, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो 60 मीटर पर था, तो लैंडिंग को रीटारगेट किया गया कि कहाँ पे हमें लैंड करना है, चंद्रमा की कौन सी सतह किस जगह पर लैंड किया है। तो क्या एक्चुअली क्या था कि तो ये देखा कि उसमें काफ़ी सेंसर लगे हुए थे, तो सेंसर की वजह से जो साइंटिस्ट थे वह देख रहे थे कि इसको कहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया जाए। तो रीटारगेट किए गए जिसमें 52 सेकंड तक लगा, रीटारगेट करने में लगभग 52 सेकंड लगा। इसके बाद अगले 30 सेकंड में यह 10 मीटर की ऊंचाई पर, 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचा तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए। मीन्स ये है कि यह जब 10 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ तक था, मतलब अगर कहें तो हमारा जो चंद्रमा का सरफेस है यहाँ पे है, तो यह जब 10 मीटर की ऊंचाई पर था तो इसके जितने भी 2 इंजन थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया जिससे यह सीधे अपने पहियों पर स्थित हो सका। तो इसके साथ ही इसमें जो रोवर में जो लैंडर में जो पहिए लगे हुए थे वह ओपन हो गए, खुल गए और वह धीरे धीरे जाके चंद्रमा के साउथ पोल, चंद्रमा की सतह पर वह लैंड हो चुका। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टेप बाय स्टेप जो रोवर को कैसे लैंड कराया गया। ठीक है, तो इस दौरान जो यह सरफेस से कैसे ऑर्बिट से कैसे धीरे धीरे यह चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे यह ऑर्बिट से कैसे चंद्रमा की सतह पर लैंडर ने लैंड किया, तो यह कुछ प्रोसेस है जो हमने समझाने का प्रयास किया। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद देखेंगे कि यह कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए और विश्व के लिए। ठीक है, यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं पाने के लिए। अब इसके बाद जानते हैं कि रोवर और लैंडर में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये बहुत डाउट होता है कि क्या रोवर होता है क्या लैंडर होता है। तो जानते हैं कि जो लैंडर है, तो लैंडर अंतरिक्ष यान भारी होते हैं। तो लैंडर जो होता है तो यह काफ़ी भारी होता है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, पैरों पर खड़े होते हैं और लैंडिंग के बाद स्थिर हो जाते हैं, एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो लगे उपकरण होते हैं वो अवलोकन कर सकते हैं और डाटा को एकत्र कर सकते हैं। और लैंडर हैं वह काफ़ी, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, वह जैसे ही वह लैंड करते हैं वह वहीं पर स्थिर हो जाते हैं। और जो लैंडर में जो उपकरण लगे रहते हैं तो वह उन उपकरणों की सहायता से क्या कर सकता है, वह अवलोकन कर सकता है, डाटा को कलेक्शन कर सकता है और वह क्या चंद्रमा के संपर्क में नहीं आ सकते हैं। इसके बाद जो है रोवर्स, तो रोवर्स क्या होता है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि रोवर चंद्रमा की सतह पर घूम सकते हैं,
जबकि लैंडर क्या होता है, जबकि लैंडर है वह घूम नहीं सकता, वह एक जगह पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो यह रोवर घूम सकता है और उपयोगी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। लैंडर के भीतर उपकरण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो लैंडर के भीतर उपकरण नहीं होते हैं, बट रोवर्स में ऐसे उपकरण होते हैं जो काफ़ी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन है उसको वह खोज सकता है, ठीक है, वह उसको अवलोकन कर सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो चंद्रयान जो 3 है, तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आगे भविष्य में हमारे इंडिया के कौन कौन से ऐसे मिशन हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, जो अंतरिक्ष में जाएंगे और वह काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अंतरिक्ष से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी अर्थ पर भेजेंगे, तो कौन कौन से हैं आगामी मिशन इनके बारे में जानते हैं। तो जो पहला है आदित्य एल फर्स्ट, ठीक है, तो आदित्य एल फर्स्ट जो है 2023 में इसी साल इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यह किसका अध्ययन करेगा, तो यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला भारतीय सोलर मिशन है। कौन सा मिशन है, सोलर मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार 2024 में भेजा जाएगा, तो यह नासा और इसरो का एक संयुक्त अभियान है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा, ठीक है। इसके बाद है स्पेडेक्स, तो स्पेडेक्स 2024 में भेजा जाएगा, तो यह मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए जुड़वा अंतरिक्ष यान मिशन है, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक जुड़वा अंतरिक्ष यान अभियान है। इसके बाद मंगलयान 2 भेजा जाएगा, तो मंगलयान 2 2024 में भेजा जाएगा, तो यह मार्स आर्बिटर मंगल पर भेजा जाएगा, तो यह मिशन 2 मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत का मिशन भेजा जाएगा। गगनयान 2024 में भेजा जाएगा, तो यह भारत का ऐसा पहला मानव अंतरिक्ष अभियान भेजा जाएगा जहां पे मानव आदमी को वहां पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान कब भेजा जाएगा, 2024 में मानव अंतरिक्ष अभियान होगा, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान होगा जो 2024 में जाएगा, जिसका नाम है गगनयान। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो हमने काफ़ी इसको समझने का प्रयास किया, तो हमने देखा कि चंद्रयान 3 है हमारे इंडिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान था। तो इसमें हमारे इंडिया के जितने भी 140 करोड़ जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, इनकी जो प्रेरणा के स्वरूप ही आज हमने इस कामयाबी पर पहुंचे हैं कि जो भारत का स्पेस में जो दबदबा बढ़ा है, तो यह विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हमारा इंडिया ने बहुत कम बजट में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है वह काफ़ी सस्ते होते हैं, जबकि विश्व के जितने भी सैटेलाइट होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो वो देश हमारे इंडिया में आकर क्या करते हैं, अपने देश के जितने भी सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च करवाते हैं। तो हमारा इस अगर देखा जाए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो इसमें हमारे जो इंडिया की जो ग्रोथ है, भारत ने काफ़ी प्रगति की है और आने वाले टाइम में प्रगति करेंगे। इसी के साथ ही हमने ये जो समझाने का प्रयास किया, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से और एक इंडिया के एक सिटीज़न होने के नाते ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है ना, हमारा इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो आज के दिन ये जो चंद्रयान लॉन्च किया गया, तो हमने देखा कि इसमें गांव-गांव तक टीवी के द्वारा इसको बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा और बहुत सारी इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो गेन किया वो हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करने से नहीं भूलना है, ठीक है। तो हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पर फिर डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।